नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। सुरक्षा बलों द्वारा पश्चिम सिंहभूम के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ काफी तेज ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज पुलिस ने नक्सली कैंप को ध्वस्त करते हुए खाने पीने की सामग्री और अन्य सामानों को भी जब्त किया है। एसपी आशुतोष शेखर ने बताया है कि पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि नक्सली संगठन भाकपा मुआदी के चमन उर्फ लंबू, अमित मुंडा, सालुका कायम, प्रभात मुंडा उर्फ मुखिया अपने दस्ते के साथ चाईबसा सरायकेला एवं खूंटी जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में भ्रमणशील है। शनिवार को ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर कराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत वनग्राम नवादा, उलीबेरा सारूगोड़ा एवं गित्ती उली के सीमावर्ती जंगल क्षेत्र में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद नक्सलियों को इसकी भनक लगते ही वो वहां से भाग खड़े हुए। उसी क्रम में रविवार की सुबह 10 बजे आसपास कराईकेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत वनग्राम उलीबेरा गित्ती उली जंगल के समीप पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा मुआदू के द्वारा उस क्षेत्र में बनाए गए कैंप को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। साथ ही कैंप से कई सामान भी बरामद हुआ है, जिसमें चावल, दाल 30 केजी, प्लास्टिक का टेंट 7 पीस, जूते 2 जोड़े, एक जंगल जूता, एक स्पोर्ट जूता, बैटरी 2 पीस, बिजली का तार, मसाल, थर्मस, बर्तन, मग और विभिन्न प्रकार के आवश्यक दवाई बरामद किया गया है। इस सर्च ऑपरेशन में चाईबसा पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा की 209, सीआरपीएफ के 60, 112, 157, 193 बटालियन शामिल थी। नक्सलियों का सेफ जोन नवादा क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि पूरे पश्चिम सिंहभूम जिला का सबसे घनघोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। यह क्षेत्र सरायकेला, खरसुआ, खूंटी व पश्चिम सिंहभूम का बॉर्डर क्षेत्र है, जिससे नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देकर एक अलग जिले में वे प्रवेश कर जाते हैं। मगर एसपी आशुतोष शेखर ने कहा है कि ऑपरेशन अब काफ़ी तेज होगा और जारी रहेगा।